अपने बाल काल में सभी बच्चे नटखट होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही नटखट बच्चों में से एक बच्चा था, उसका नाम मैं बाद में आप सबों को बताऊंगा। दोस्तों, वह जब छोटा था तो अपने मम्मा पापा का बहुत दुलरुआ बच्चा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद वह बच्चा धीरे धीरे घुड़कना और धीरे धीरे उसके बाद चलना प्रारंभ कर दिया। जी हाँ, जब चलने लगा तो वह धीरे धीरे दौड़ने लगा, और जब दौड़ने लगा तो वह अपने संतुलन पर भी आगे बढ़ने लगा और बातों को भी समझने लगा। जी हाँ दोस्तों, जब बातों को समझने लगा तो फिर उसके घर के पास एक कचरा वाला गाड़ी भी आया करता था कचरा उठाने के लिए। दोस्तों, कचरा वाला गाड़ी में दो लड़के भी आते थे कचरा उठाने के लिए, और वह बच्चा प्रतिदिन अपने घर से डस्टबिन निकाल करके डस्टबिन को कचरा वाले लड़का को जा करके दे दिया करता था, और वह कचरा को डस्टबिन से अपने गाड़ी में लॉरी में लोड कर लिया करता था। दोस्तों, इसी क्रम में एक दिन वह बच्चा भावुक हो गया कि आखिर हम लोग कचरा घर से निकालते हैं और वह कचरा को कलेक्ट करते जाते हैं, हर घर से कचरा ले करके वो शहर को स्वच्छ बनाने में कामयाब रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब वह एक बार जा रहा था रास्ते में, तो उसने देखा कि कुछ प्लास्टिक और कुछ कचरा रास्ते पर बिखरा हुआ था, तो उस बच्चे ने उसे एक जगह जमा कर दिया। जैसे ही वह कचरा वाला आया तो उन्हें हाथ पकड़ करके उन्होंने ले गया उस कचरा के पास, और प्रणाम करने की विनती करने की मुद्रा में उन्होंने बोला, भैया इस कचरा को भी प्लीज़ उठा लीजिए। और वह बच्चा कोई और नहीं, यही जो दिख रहा है ईशांत बाबू है, और यह घटना देवघर की है। यदि इस बच्चे ने ऐसी समझदारी अब खुद में बनाई है कि अपने शहर को स्वच्छ रखे, साफ सुथरा बनाए रखे, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इनकी भी बातों को जरा देख लीजिए, सुन लीजिए, बता दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी स्वच्छता की ओर अपना कदम बढ़ाइए। जब एक छोटा बच्चा, छोटा बाबू स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, तो आप तो बड़े हैं, क्यों नहीं आप कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को, इंडियन यूथ विकास को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।